गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे लॉकडाउन के पीरियड पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो और आज का क्लास करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार हो। आज का जो लेक्चर मैं तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। आज हम करेंगे टोरिचेलिस थ्योरम। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से हमने सॉलिड किया था, अभी लिक्विड शुरू किया था। लिक्विड का हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस कल देखे थे। आज हम इसके और फर्दर से कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है टोरिचेलिस थ्योरम। चलो ये नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टोरिचेलिस थ्योरम। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब इफ्लक्स क्या है हम तो जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थ्रू एंड ओरिफिस। अब ओरिफिस वर्ड क्या है मैं तुमको समझा के दूंगा। थ्रू एंड ओरिफिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थ्रू एन ओरिफिस is equal to the velocity acquired by the body during a free fall. Free fall में अगर कोई body अगर हम छोड़ देते तो जिस velocity से नीचे आता है उसको बोलते हैं free fall velocity, ठीक है। उसी velocity के equal होगा हमारा velocity of efflux through an orifice. अब ये orifice क्या चीज है मैं तुमको समझा के देता हूं। मान लो एक बहुत बड़ा टैंकी है, ठीक है, और यहां पे हमने एक छोटा सा छेद कर दिया, एक पिन होल कर दिया, छोटा सा छेद कर दिया, तो इसमें से पानी कैसे बाहर निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना। ये जो छेद है इसी को बोलते हैं ऑरिफिस, ठीक है। और इसके थ्रू जितना पानी बाहर निकलेगा, जितना वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, उस वेलोसिटी का वैल्यू होता है फ्री फॉल का जो वेलोसिटी है उसके इक्वल के समान, ठीक है। चलो हम इसका प्रूफ करते हैं। अब ऑरिफिस क्या है तुम लोगों को समझ में आ गया, छोटा सा छेद, एक बहुत बड़ा टैंकी है ऐसे, ये हमारा वाटर का लेवल है, लिक्विड का लेवल है, ये लिक्विड का लेवल है, ठीक है। और यहां पे छोटा सा हमने एक छेद कर दिया है ऐसे। अब यहां पे छोटा सा हमने छेद कर दिया तो पानी इधर से ऐसे 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 बाहर निकल आएगा, ठीक है। ग्राउंड लेवल से लेके ये ओरिफिस से लेके, ओरिफिस का ये जो हाइट है, यहां से लेके यहां तक का हाइट पकड़ लेते हैं हम एच, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, इधर से वेलोसिटी वी से निकल रहा है पानी, ठीक है। तो एट हाइट एच, एच हाइट पे इधर से तो ऑरिफिस से पानी तो निकल रहा है, उससे पहले इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, हम प्रूफ कर रहे हैं, एट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। यहां पर तो कोई मोशन नहीं है ए पॉइंट पे, और ऑरिफिस बंद हो तब इस पॉइंट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू रहेगा जी इंटू एच, ठीक है। और प्रेशर एनर्जी कितना रहेगा, प्रेशर एनर्जी कितना रहेगा, पी बाय
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जी एच एंड प्रेशर एनर्जी पी बाई रॉ, ठीक है, ये लिक्विड के लिए। तो अगर इस पे हम बाउंड्रीलेस, इस पॉइंट पे अगर हम बाउंड्रीलेस प्रिंसिपल लिखते हैं तो बाउंड्रीलेस प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ई ए, ए पॉइंट पे हमने टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहेगा, तो कॉन्स्टेंट का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, तो ई ए इक्वल्स टू हो गया हमारा पी बाई रॉ प्लस ये इक्वेशन नंबर वन। अभी हमने ओरिफिस को खोल दिया, ठीक है, तो ओरिफिस को खोल दिया तो पानी इस तरह से नीचे आ रहा है, पानी का लेवल धीरे धीरे इधर से पानी निकल रहा है और पानी का लेवल धीरे 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 नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया, हाफ बी स्क्वायर पर यूनिट लिक्विड, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम हो गया हाफ बी स्क्वायर। प्रेशर एनर्जी कितना रहेगा, सेम पी बाई रॉ ही रहेगा, प्रेशर एनर्जी हमारा पी बाई रॉ रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, जीरो, अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि अभी लिक्विड मूव कर रहा है वेलोसिटी के थ्रू, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया हमारा जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ बी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम से, हाफ बी स्क्वायर से हम पानी निकल रहा है ओरिफिस के थ्रू, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा पी बाई रो, ये पी स्क्वायर नहीं है यार, अलग है, पी बाई रो, ठीक है, पोटेंशियल सॉरी प्रेशर एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कुछ जीरो क्योंकि इस पॉइंट पे अभी तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि अभी तो पानी नीचे आ रहा है वेलोसिटी के थ्रू, और अगर कोई पार्टिकल पे अगर वेलोसिटी आ जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है, ठीक है। तो अभी बी पॉइंट पे अगर हम बाउंड्रीलेस प्रिंसिपल अप्लाई करें तो टोटल एनर्जी एट बी, ई बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इंप्लाइज ई बी इक्वल्स टू हो गया पी बाई रो प्लस हाफ बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अगर एनर्जी कंजर्वेशन हमको बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एनादर, दैट मींस ए पॉइंट पे जितना एनर्जी है बी पॉइंट भी उतना ही सेम एनर्जी रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, ए पॉइंट पे जितना एनर्जी है बी पॉइंट पे सेम एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पे कितना एनर्जी है हमारा पी बाई रॉ प्लस जी एच, और बी पॉइंट पे कितना एनर्जी है हमारा पी बाई रॉ प्लस हाफ बी स्क्वायर, पी बाई रो कैंसिल चला गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया ट्वाइस जी एच, बी इक्वल्स टू हो गया रूट ओवर ट्वाइस जी एच व्हिच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल, व्हिच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल, हैंस प्रूव फ्री फॉल पे वेलोसिटी कितना आता है रूट ओवर ट्वाइस जी एच, और हमने देखा है ओरिफिस का जो वेलोसिटी है ये भी फ्री फॉल के वेलोसिटी के इक्वल के वेलोसिटी के इक्वल समान है, तो ये हो गया हमारा टोरिचेलिस थ्योरम। टोरिचेलिस थ्योरम क्या बोलता है, टोरिचेलिस थ्योरम ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थ्रू एन ओरिफिस, ओरिफिस में छोटा सा छेद, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थ्रू द फ्री फॉल, फ्री फॉल का वेलोसिटी कितना है ट्वाइस जी एच, और ये हो गया हमारा ओरिफिस के थ्रू वेलोसिटी, जो दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव, ठीक है। अब टोरिचेलिस थ्योरम का कोई एप्लीकेशन नहीं है तो हमको एप्लीकेशन सभी स्टडी नहीं करना है। अभी हम धीरे धीरे चलते हैं विस्कोसिटी के तरफ, अभी हम धीरे धीरे चलते हैं विस्कोसिटी के तरफ। ठीक है, विस्कोसिटी, ठीक है, एक ऐसा सिटी है जहां पे हम फिजिक्स अप्लाइड होता है,
ठीक है, चलो विस्कोसिटी हम स्टडी करते हैं। अच्छा, विस्कोसिटी का मतलब डेफिनेशन ये है कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है मैटर का, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द रिलेटिव मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड अपोजेस, बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड अपोजेस टू ईच अदर, अपोजेस टू ईच अदर। ठीक है, पकड़ लो, अगर पानी और घी, ठीक है, पानी और घी अगर हम एक साथ छोड़े, एक साथ ऐसे मिट्टी में छोड़े, तो कौन आगे गिरेगा? ऑब्वियसली पानी ही गिरेगा, ठीक है, घी थोड़ा बाद में गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि मान लो ये पानी का लेयर है, ठीक है, मान लो ये पानी का लेयर है, तो अगर जब हम छोड़े तो ये सारे लेयर्स का मोशन एक ही टाइम में इक्वल होगा, ठीक है, तभी पानी तुरंत गिर जाएगा। और अगर पकड़ लो ये घी है, तो ये हो गया हमारा घी का लेयर, तो ऊपर का लेयर है जो पहले गिरेगा, लेकिन उसका बाद का जो लेयर है वो पीछे चलेगा, उसके बाद का जो लेयर है वो पीछे चलेगा, उसके बाद का जो लेयर है पीछे चलेगा, उसके बाद का जो लेयर, ये जो प्रॉपर्टी है जो पीछे धकेल रहा है, ऑपोजेस, पीछे धकेल रहा है किसको? लेयर्स को पीछे धकेल रहा है, इसी को प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, ये लेयर है घी का, ये भी लेयर है घी का, ये भी लेयर है घी का, ये भी लेयर है, ये भी लेयर है और ये भी लेयर है, लेकिन ऊपर का जो लेयर जो है, अगर तुम फेंको तो जब तुम देखोगे ऊपर का जो लेयर, फिर मोबाइल भी फेंको, ऊपर का जो लेयर है वो पहले गिरेगा, लेकिन उसके बाद का जो लेयर है, इमीडिएटली उसका बाद का जो लेयर है वो थोड़ा पीछे पीछे गिरेगा, उसके बाद थोड़ा पीछे गिरेगा, लेकिन पानी का क्या, तुरंत गिर जाता है, लेकिन ये जो लिक्विड है, जो विस्कस लिक्विड है, ये अपोज करता है अपने पीछे वाले लेयर को, ये अपोज करता है अपने पीछे वाले लेयर को, ये अपोज करता है अपने पीछे वाले लेयर को, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, दैट मींस इसमें ये जो लेयर है इसका जो वेलोसिटी v1, ये जो लेयर है इसका जो वेलोसिटी v2, इन दोनों में वेलोसिटी इक्वल नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, दैट मींस इन दोनों में रिलेटिव मोशन चल रहा है, ये वेलोसिटी कम, ये वेलोसिटी ज्यादा, तो इसमें क्या रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा, तो ये जो लेयर से इन लेयर में रिलेटिव मोशन आ जाता है, किसके बीच में? लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है। कब आता है? जब दोनों लेयर्स के बीच का वेलोसिटी अनइक्वल हो। पानी का क्या है, सारे लेयर्स का वेलोसिटी हमारा इक्वल रहता है, इसलिए तुरंत गिर जाता है। पानी का ग्लास अगर ऐसे तुम उल्टा दो तो सारा पानी एक साथ गिर जाएगा, लेकिन वही अगर तुम बहुत ही गाढ़ा ग्लू पकड़ लो, फौरन अगर उल्टा दो गिरेगा, नहीं गिरेगा, पहले ऊपर का लेयर गिरेगा, उसके बाद थोड़ा धीरे 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 करके पीछे वाला लेयर गिरता रहेगा। क्यों गिरता रहेगा? क्योंकि लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, पहले वाले लेयर्स का जो वेलोसिटी है दूसरे वाले लेयर्स में उतना वेलोसिटी नहीं है, थोड़ा कम रहता है, इसका मतलब दोनों लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी तुम काइनेमेटिक्स में करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी है डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज, वी ए माइनस वी बी, डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो लेयर है, इस लेयर के बीच का वेलोसिटी है v1, इस लेयर के वेलोसिटी है v2, तो इन दोनों का ये वेलोसिटी v1 ग्रेटर देन v2, इस लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है इस लेयर से, उसके बाद इस लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है इस लेयर से, इस लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है इस लेयर से, इस लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है इस लेयर से, यानी ऊपर, यानी कंसेक्यूटिवली ऊपर का जो लेयर है वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, उसके बाद धीरे 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 कम होता रहता है। समझ में आया? यही जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है,
ऑपोज करता है, लेयर्स को ऑपोज करता है। अभी विस्कोसिटी पे हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी नेक्स्ट टॉपिक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है चलो, विस्कोसिटी में नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अगर ये अगर विस्कस लिक्विड का लेयर्स पकड़ लो, इक्वल नहीं है, मैं दिखा रहा हूं इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ये पकड़ लो पहला वाला लेयर इतना तक, ये पकड़ लो दूसरा वाला लेयर थोड़ा कम, ये पकड़ लो तीसरा वाला लेयर, ये पकड़ लो चौथा वाला लेयर थोड़ा कम, इसे थोड़ा कम, इस पकड़ लो पांचवा वाला लेयर और ये पकड़ लो छठा वाला लेयर। ठीक है, तो यहां पे हाईएस्ट वेलोसिटी है बी। ठीक है, अब यहां तक आते 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 वह पकड़ लो, यहां तक का वेलोसिटी हो गया वी प्लस डेल्टा बी, चेंज हो गया वी प्लस डेल्टा बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप हो गया डेल्टा एक्स, और यहां तक का यहां तक पकड़ लो एक्स। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द गैप विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन है चेंज इन, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट मैं समझा के दे रहा हूं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस और कंसेक्यूटिव गैप, consecutive gap between the layers of viscous liquid, ठीक है, change in velocity with respect to distance or consecutive gap between the layers of the viscous liquid is called velocity gradient। अगर ये value velocity gradient को अगर ये वैल्यू बहुत ही छोटा है, अगर ये dv बाई डीएक्स का वैल्यू अगर बहुत छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अगर ये गैप बहुत ही छोटा है, एकदम छोटा, ठीक है, एकदम ब्लेड की जितना, गैपिंग समझ लो एकदम ब्लेड की जितना, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डीएक्स। ठीक है, समझ में आया? अब इसके ऊपर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन ने विस्कोसिटी के ऊपर एक लॉ दिया था, उन्होंने बोला था द फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग, फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लेयर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लेयर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, उन्होंने कहा था द फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग, फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द विस्कस लिक्विड एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो मैथमेटिकली ये हम लिख दिया एफ प्रोपोर्शनल टू ए, एफ प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डीएक्स। ए हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया और डीवी बाई डीएक्स हो गया हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अभी इन दोनों पार्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया ए डीवी बाई डीएक्स। प्रोपोर्शनल से इक्वल्स टू में लाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट पुट करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट, यह है ग्रीक लेटर ईटा। ठीक है, ए डी वी बाई डी एक्स, इस ईटा को बोलते हैं कॉन्स्टेंट, इस ईटा इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ईटा इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन साहब ने, पागल न्यूटन ने क्या लॉ दिया हम लोगों को, ये न्यूटन इतना पागल, मतलब लॉ दिया हम लोगों को बर्बाद करके चला गया। ठीक है, उसके सर के ऊपर अपेल गिरा, चुपचाप खा लेता, क्यों लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालने के लिए चला गया, इतना मगजमारी क्यों। चलो, तो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन साहब ने क्या लॉ दिया, पहले तो बोला कि फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग, ये फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लेयर्स ऑफ द विस्कस लिक्विड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इन टू डीवी बाई डीएक्स। अब प्रोपोर्शनल से इक्वल्स टू में लाने के लिए कॉन्स्टेंट पुट करते, दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ईटा इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अभी अभी ये जो फॉर्मूला निकला है, ये जो रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला निकला है, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीबी बाई डी एक्स, अगर ए का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर अगर हम पकड़ ले, अगर ए का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हम पकड़ ले और डीबी बाई डी एक्स का वैल्यू, डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू अगर हम पकड़ ले 1 सेकेंड इनवर्स, 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, देन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा। तो यहां से हम कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। देखो, ए का वैल्यू पकड़ लिया 1 मीटर स्क्वायर, डीवी बाई डी एक्स का पकड़ लिया इतना, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा ईटा। अब यहां से हम कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन निकाल सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द विस्कस ड्रैग व्हेन यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हेन यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट पासेस द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ द विस्कस लिक्विड विल बी यूनिट हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बिटवीन द लेयर्स। समझ में आया, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द न्यूमेरिकली इक्वल टू द विस्कस ड्रैग व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द कंसेक्यूटिव लिक्विड विल बी यूनिट सेकेंड इनवर्स एंड हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आया, इसका ऐसा यूनिट है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट यहां से भी हम निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली अगर हम तुम लोगों को समझ में लिख सकते हो तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर एरिया है तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन है एम एल इनवर्स टी इनवर्स।
ठीक है। सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट से हम स्टोक्स लॉ करेंगे और हम क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, ये कंप्लीट करके हम सरफेस टेंशन की ओर मूव करेंगे। धीरे धीरे चैप्टर हमारा एंड की तरफ आ रहा है, तो बच्चे बने रहो, पढ़ाई करते रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।